अल्हम्दुलिल्लाह इस 7 मरला घर का व्लॉग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बड़ा थोड़ा मुश्किल था। इमरान खान लड़ आवे आपका चलान हो गया। मैंने कहा भैया किस चीज का चलान, जिंदगी में यहाँ कभी चलान नहीं। जी सामने मेरे मन आई होप आप खैरियत से होंगे। आज के नए व्लॉग में आपका खुशामदीद करते हैं। आज हम जा रहे हैं फेज 6 के अंदर एक घर का व्लॉग करने के लिए। आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी हम निकल रहे हैं। बैस भाई रेडी हैं आप? रेडी है, चले आए निकला जाए। बाकी हमारी टीम जो है काम शाम कर रही है। भाई आप बताएं आजकल जो चलान हो रहे हैं इतने ज्यादा, वो किस चीज के ऊपर हो रहे हैं? यार बताएं, हुकूमत ने कुछ सख्ती कर दी है, क्या सीन चलाया है। कल हम उधर से आई हैं तो हमारा ये मतलब साइड पे खड़े हुए हैं, आपको उतारा है, खड़े हैं तो आगे जी आपका चलान हो गया। मैंने कहा भाईजान किस चीज का चलान, जिंदगी में यहाँ कभी चलान नहीं हुआ ऐसी जगह पे, तो बस चलान कर दिया। तो मेरी ऑडियंस से भी यही गुजारिश है थोड़ा एहतियात करें, आजकल हमारी हुकूमत के पास पैसे खत्म हुए हैं तो ऐसे बेफजूल कहीं ना चलान कर करके हुकूमत के खजाने को यहाँ से थोड़ा सा मेंटेन करना चाह रहे हैं। बाकी हम अभी व्लॉग के लिए निकल रहे हैं तो रास्ते में ही हैं। ये हमारे इधर राइट साइड पे जो है लाहौर स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, लेफ्ट साइड पे सारे ऑफिस हैं। ये हम अभी रिसेंटली एंटर हुए हैं DHA Phase 8 के अंदर, तो ये उसका मेन बुलेवार्ड के पास है, जिसकी वजह से ना इधर ज़्यादा कमर्शियल एरिया ही है। आगे आपको दिखाते हैं। की क्वालिटी है ऐसा तो नहीं है कि जितना भी हमारा ओवरसीज है और क्वालिटी वाइज DHA को सबसे ऊपर समझा जाता है, उसकी वजह यह है कि ये अगले 10-20 साल सामने रखते हुए डेवलपमेंट करता है। अब देखें ये भी ऐसा रोड है कि आप 24 घंटे जब भी आप यहाँ से गुजरें, यहाँ पे ट्रैफिक रहती है, लोगों की आमदोरफ्त रहती है, लेकिन इसमें मेन चीज़ यह है कि यहाँ पर ना खुली ट्रैफिक ये है कि रोड इतने खुले हैं कि जितनी मर्जी ट्रैफिक हो आपकी गाड़ी फंसती नहीं, हर बंदा इजी माहौल में बड़े चिल माहौल में आ रहा है जा रहा है। ये एक सारा क्रेडिट जाता है DHA की डेवलपमेंट को। जी नाजरीन, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस 7 मरला घर का व्लॉग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बड़ा थोड़ा मुश्किल था और बड़ी मेहनत हुई है। और हम तकरीबन पिछले 1-1.5 घंटे से व्लॉग कर रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ी मेहनत की है। तो आप जाके ज़रूर हायरेज यूनिवर्सल स्टेट के चैनल पर इसको देखिएगा, ये जैसे आएगा मैं इसका लिंक भी बायो में लगा दूँगा, आपने ज़रूर उसको देखना है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुजाहिद भाई ज़बरदस्त किस्म के सिंगर हैं, और अभी इनको कहता हूँ कि अपनी आवाज़ में कुछ थोड़ा सा जो है हमें सुना दें। जी मुजाहिद भाई, कुछ चंद सेकंड में अपनी मोहब्बत का इजहार। इमरान खान लड़ आवे, इमरान खान लड़ आवे मुल्क बचा, वो खान आवे इमरान खान। ज़बरदस्त। वैसे ये भाई ने खान साहब की मोहब्बत में बनाया है और आवाज़ में बड़ा दर्द है यार, तो मैं इंशाल्लाह स्पेशली कभी इस भाई को अपने ऑफिस बुलाऊंगा और वहाँ हम एक महफिल से जाएंगे। और इनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है यार, ऐसे बंदों को तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर पहुँचना चाहिए। जो ऊपर पहुँचे हुए हैं वो आपने देखा है TikTok के ऊपर एक आया हुआ है जी चाहत फतेह अली खान, वैसी बकवास करता है, उसको लोगों ने कहाँ पहुँचाया हुआ है, UK पहुँचा हुआ है। पर जो टैलेंटेड बंदे हैं जिनकी आवाज़ में वाकई जादू दर्द है, वो बेचारे यहाँ बैठे हैं। चलिए नाज़रीन बाहर चलते हैं, इंशाल्लाह अभी हम जाके खाना खाएंगे, खाना खा के
फिर मैं ऑफिस निकलूंगा क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स हैं, कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं, दोस्त आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम फ्री हो चुके हैं अपने व्लॉग से, बस हम निकलने लगे, जाके खाना खाते हैं और खाना खा के फिर हम ऑफिस पहुँचते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम अपने व्लॉग और वीडियोस वगैरह से फारिग हो चुके हैं, अब हम अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम फेस 8 के अंदर मौजूद हैं, बस 2 से 3 मिनट में हम अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, पिछली सीट पे बैठे हुए हैं मुजाहिद भाई, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी शानदार खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, तो हमारे व्लॉग में भी इनके एक दो गाने आप सुनेंगे। अभी इनसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे ऑफिस पहुँचने तक कोई अच्छा सा जो है हमें सुनाएँ, ताकि इनका टैलेंट और इनकी आवाज़ जो है वो मज़ीद जो है आगे लोगों तक पहुँचे और इसकी जो एक अल्लाह की तरफ से एक सिफ्त है आवाज़, लोगों को उसकी कदर हो। जी मुजाहिद भाई। बे अल्लाह केंदे संग ना तोड़े, बे अल्लाह केंदे संग ना तोड़े, ओ सजना नु दिते ओए तोहफे, ओ सजना नु दिते ओए तोहफे, ओ दे के खाली चमोड़े, बे अल्लाह केंदे संग ना तोड़े, ओ मौला केंदे संग ना तोड़े। जी नाज़रीन, आज का दिन बड़ा मुश्किल था, आज हमने घर का व्लॉग किया है, 2-3 क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी, फिर मेरे बहुत पुराने दोस्त आए हुए थे जिन्होंने मेरे से स्टडी की है, और बस आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।